नमस्कार। दो गांव की लड़कियां, जिनमें से एक के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में एक बेहद सुंदर पास और लेक का नाम रखा गया है, इसलिए क्योंकि उनकी मदद से इंडियन आर्मी के एक सिपाही ने करीब 100 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। दो ऐसी लड़कियां जिन्होंने सिविलियन होते हुए भी अपनी जान पर बहुत बड़ा रिस्क लिया और भारत को कुछ समय तक चाइनीज आर्मी को दूर रखने में मदद करी। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित हमारी इस स्पेशल हिमालयन सीरीज में जिसकी कहानी सुनाऊंगा, उनका नाम है सेला और नूरा और उस ब्रेव आर्मी मैन का नाम है राइफलमैन श्री J.S. रावत। इंडिया चाइना की 1962 वॉर। ईस्टर्न सेक्टर में चल रहा था बैटल ऑफ नूरानंग। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर वहां पर बॉर्डर को संभाल रहे थे द 4th गढ़वाल राइफल्स। 17 नवंबर 1962 में वॉर के दौरान हमें बड़ी जीत मिली। उस दिन हमने चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दो अटैक बेकार कर दिए। हमें लोकल्स का पूरा सपोर्ट था, जहां सेला और नूरा नाम की दो बहनें इन हालात में भी वहां सबके लिए खाना लेकर जाती थीं। पर उसी दिन पीएलए तीसरी बार फिर आए और एक 21 साल के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने उनकी मीडियम मशीन गन यानी MMG को उड़ाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने हमले करके और कवर फायर देकर MMG को हत्या लिया और वापस अपनी पोजीशंस पर जाने लगे, लेकिन बचे हुए चाइनीज सिपाहियों ने उन पर हमला किया जिसमें लांस नायक नेगी और राइफलमैन गोसाई शहीद हो गए। अब राइफलमैन जसवंत सिंह अकेले ही रह गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करी कि अपनी जगह बदल बदल कर हमले करें। इससे काफ़ी देर तक चाइनीज़ को ये लगता रहा कि अभी भी काफ़ी हिंदुस्तानी सोल्जर्स जिंदा हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा जब उन्होंने देखा कि सेला और नूरा वहाँ पर खाना लेकर आ पहुँचे हैं। सेला और नूरा ने जब उनको अकेले लड़ते हुए देखा तो उनकी देशभक्ति और उनकी बहादुरी को देखकर वो उनके कायल हो गए। उनको लगा कि उनको भी कुछ उनकी मदद करनी चाहिए। अब ट्रेनिंग नहीं थी लेकिन जज्बा पूरा था। कहा जाता है कि सेला और नूरा ने भी मरे हुए सिपाहियों की बंदूकें उठाकर उनकी मदद करनी शुरू कर दी। लड़ाई और आगे बढ़ी और देखते ही देखते जसवंत सिंह ने काफ़ी और चाइनीज सिपाहियों को मार गिराया। उन हमलों में बहुत चाइनीज सिपाही मारे गए और देखते ही देखते समय और बीतता चला गया। पर यहीं इस कहानी में एक ट्विस्ट आया, जहां राइफलमैन J.S. रावत, सेला और नूरा तीन कैरेक्टर्स इस एपिक में देश के लिए लड़ रहे थे, वहीं एक चौथा कैरेक्टर भी था जिससे वो ट्विस्ट आया। वहीं का इंडियन आर्मी का एक लोकल सप्लायर था जो सप्लाईज के लिए पास ही था, लेकिन वो फायरिंग लाइन में आ गया और PLA ने उसे पकड़ लिया। उससे उन्होंने उगलवा लिया कि एक ही सिपाही जगह बदल बदल कर उनकी नाक में दम कर रहा है और उनके साथ साथ सिविलियन लड़कियां भी हैं जो उन पर हमले कर रही हैं। ये सुनते ही चाइनीज ने हर तरफ से हमले तेज किए और फिर क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। ये पता है कि रावत जी शहीद हुए, उनके सम्मान में वहां की एक जगह को जसवंतगढ़ नाम दिया गया और आगे जाके उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पर यह भी हो सकता है कि वो सेला और नूरा सीधा शहीद ना हुए हों। कुछ सोर्सेस का कहना है कि वो पकड़े गए, टॉर्चर से गुजरे और फिर उनको प्रिजनर ऑफ वॉर होने के बाद भी मारा गया। कुछ भी कॉन्फर्मेशन के साथ नहीं कहा जा सकता। सेला और नूरा के ऑनर में सीनिक सेला पास, सेला लेक और आर्मी की नूरा पोस्ट आज टूरिस्ट्स और व्लॉगर्स के कंपलसरी स्टॉपओवर्स बन चुके हैं। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सेला ने भी एक मरे हुए सिपाही की बंदूक उठाकर लड़ना शुरू कर दिया था, लड़ते लड़ते वो भी देश के लिए शहीद हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेला और नूरा दोनों चाइनीज के हाथों पकड़ी गईं, उनको वहाँ पर टॉर्चर किया गया और टॉर्चर के बाद उनको मार डाला गया। उनका अंत कैसे हुआ ये दुनिया को कभी अब पता नहीं लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता लग गया है कि उन दोनों ने भी कोई वीरता में कमी नहीं दिखाई।
उनके नाम पर इसलिए सेला पास और नूरा फॉल्स जैसी जगह हैं जहां हजारों लाखों लोग हर साल आते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमारी हिमालयन सीरीज़ अगली बार भी जारी रहेगी। जिन व्यूअर्स ने अभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया इस बेल आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द आता हूँ एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।